हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं आप लोग, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग निकल रहे हैं फिशिंग के लिए। हमारे अनिल भाई को काफी बढ़िया शिकार हुआ है जी। करीब 6 से 7 किलो है। हम लोग उसको गिन तो नहीं सके,
लेकिन 6 से 7 किलो अंदाज है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी तो लाइव वीडियो नहीं निकाल पाए, खाली क्योंकि मैं काफ़ी दूर चले गया था अनिश भाई से, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा, आप वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कैसा लगा कमेंट करिए। ये बबला सेट, दुआ में याद रखो बबला सेट। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं के लिए और ये आप देख सकते हैं स्पॉट, कोशिश तो चालू है, कुछ लोग खेल रहे हैं साइड में, कुछ साथी हमारे हैं, आज देखते हैं इंशाल्लाह क्या लगता है। और उम्मीद तो है, मौसम अच्छा है, स्पॉट भी बहुत प्यारा है, तो देखते हैं कि हमको क्या शिकार होते हैं। बताएंगे देख हाओ आएगा आएगा। ये देखिए बहुत खतरनाक शिकार हुआ है, अरे बाप रे माशाल्लाह। बोला बोला, अरे मेरा बैग लाना था ना राजा, बैग ला भी मत तुम्हारी, अरे बाप रे। देख सकते हैं आप पूरा गिरी पर टेढ़ा कर दिया इसने, ये गिरी पर जो है इसको टेढ़ा कर दिया, अंदाज लगा सकते हैं। डब्बे में पानी ले, बॉटल ले, बॉटल बॉटल बोले उसमें बॉटल, ये ले ले, छोड़ो पहले साफ तो करन दे इसको, धो ले इधर डालो मुंह पे, बहुत हट रे भाई, डालो डालो भाई, अरे अरे बाप रे, डालो भेजते इतना होगा ना, 7 किलो 6 से 7 किलो। अब ये बबला सेठ, अरे बाप रे भाई, ये है कम से कम 7-1 किलो का पीस है, और अनिश भाई को लगा है, बहुत प्यारा पीस, बहुत ही प्यारा, बहुत ये अनिश भाई, और ये अनिश भाई को लगा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बाप, बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ।
शानदार, रखो ऐसा खड़ा रखो, ये ऐसा जबरदस्त पीस, करीब 6 से 7 किलो का पीस है ये, और ये आज अनीस भाई को लगा है। बहुत जबरदस्त पीस है, इसने काफी मेहनत करा दिया है निकालने में। हाइट देख सकते हो, ये इसकी हाइट देखिए, हिफाज भाई खुद 6.5 की, और ये करीब आधा आ रहा है। और ये देखिए आज ये बहुत बड़ा पीस लगा है, और ये सब लोग इस खुशी में सबके हाथों में दिया जा रहा है भाई ये। और ये है भाई आज के दूल्हा अनीस भाई, दुम सीधी का बहुत जबरदस्त पीस लगा है इनको, और ये थक चुके थे निकालने में, इसलिए बहुत देर बाद अपने हाथ में इन्होंने लिए है। बहुत जबरदस्त पीस, बहुत जल्दी निकाला है माशाल्लाह। ये देखिए आज ये पीस लगा अनीस भाई को माशाल्लाह, इस 6 से 7 किलो है करीब, और काफी इंतजार के बाद में आज ये हमको मिला है, और बहुत जबरदस्त पीस है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हाइट, हाइट देखिए आप इसकी, we'll be right back।
और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शिकार कामरान भाई को, देखिए भाई करीब 3-3.5 किलो के ऊपर है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और यही स्पॉट है, अनिल भाई खड़े हो जाओ, thank you.
Thank you.
और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शिकार कामरान भाई को देखिए भाई, करीब 3-3.5 किलो के ऊपर है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और यही स्पॉट है अनिल भाई, खड़े हो जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं आप लोग, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग निकल रहे हैं फिशिंग के लिए। अनिल भाई को काफी बढ़िया शिकार हुआ है जी। करीब
छः से सात किलो है। हम लोग उसको गिन तो नहीं सके लेकिन छः से सात किलो अंदाज है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी तो लाइव वीडियो नहीं निकाल पाए, खाली क्योंकि मैं काफ़ी दूर चले गया था अनीस भाई से, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा, आप वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कैसा लगा कमेंट करिए। ये बबला सेठ, दुआ में याद रखो बबला सेठ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं जिम के लिए और ये आप देख सकते हैं स्पॉट। कोशिश तो चालू है, अभी लोग खेल रहे हैं, साइड में भी कुछ साथी हमारे हैं। आज देखते हैं इंशाल्लाह क्या लगता है। और मिस तो है, मौसम अच्छा है, स्पॉट भी बहुत प्यारा है, तो देखते हैं कि हमको क्या शिकार होते हैं। बताएंगे तो आओ आएगा आएगा। ये देखिए बहुत खतरनाक शिकार हुआ है। अरे बाप रे, माशाल्लाह। बोला बोला, अरे मेरा बैग लाना था ना राजा, बैग ला क्यों मैं तुम्हारी। अरे बाप रे, देख सकते हैं आप पूरा गिरी पर टेढ़ा कर दिया इसने। ये गिरी पर जो है इसको टेढ़ा कर दिया, अंदाज लगा सकते हैं। डब्बे में पानी ले, बोतल ले, बोतल बोतल बोले उसमें बोतल ये ले ले, छोड़ो पहले साफ तो गरम दे उसको, इधर डालो मुंह पे। अरे भाई चलो जाओ भाई, कितना होगा सात किलो, छह से सात किलो। और ये बबला सेठ, और ये बाप रे भाई, ये है कम से कम सात एक किलो का पीस है और अनीस भाई को लगा है। बहुत प्यारा पीस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनीस भाई। और ये अनीस भाई को लगा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बाप, बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ।
शानदार, रखो ऐसा खड़ा रहो, ये ऐसा फोटो जबरदस्त पीस, करीब 6 से 7 किलो का पीस है ये, और ये आज अनीस भाई को लगा है। बहुत जबरदस्त पीस है, इसने काफी मेहनत करा दिया है निकालने में। हाइट देख सकते हो, ये इसकी हाइट देखिए, हिफाज भाई खुद 6.5 की, और ये करीब आधा आ रहा है। और ये देखिए आज ये बहुत बड़ा पीस लगा है, और ये सब लोग इस खुशी में सबके हाथों में दिया जा रहा है भाई। ये अनीस भाई, और ये है भाई आज के दूल्हा अनीस भाई, दुम सीधी का बहुत जबरदस्त पीस लगा इनको, और ये थक चुके थे निकालने में, इसलिए बहुत देर बाद अपने हाथ में इन्होंने लिए है। इतना बड़ा पीस, बहुत जबरदस्त पीस, बहुत जल्दी निकाला माशाल्लाह। ये देखिए आज ये पीस लगा अनीस भाई को, माशाल्लाह 6 से 7 किलो है करीब, और काफी इंतजार के बाद में आज ये हमको मिला है, और बहुत जबरदस्त पीस देख सकते हैं आप। ये देखिए हाइट, हाइट देखिए आप इसकी, दिखाते दिखाते नहीं दी। तो सरकार ऐसा है, इस माहौल के लिए एक शेर पेश कर रहा हूं कि तू जिस्म के खुश रंग लिबासों पे है नाजा, ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट शेर है। तू जिस्म के खुश रंग लिबासों पे है नाजा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ। वाह वाह वाह। अब इसका मतलब समझाता हूँ, पीछे ध्यान जी। ना ना, इसका मतलब ये है कि हम लोग अजीबो गरीब नए नए सूट पहनते हैं, नई नई बिल्डिंगें बनाते हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, दौलत ही दौलत, हर चीज की चाह इतनी हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं एक वक्त ऐसा भी आएगा, उस वक्त क्या पता हमारी मैयत को रूह भी नसीब में, हमारे कफन भी नसीब हो के ना हो। लिहाजा शायर ये कहता है कि तू जिस्म के खुश रंग लिबासों पे है नाजा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ, लिहाजा इतनी खुशियां मत मना, इस चीज पे कोई नाज ना कर, ये सब अल्लाह मियाँ की मर्जी है, वो कभी से उतार ले और कब साले तुझे कफन भी ना दे। तो मेरे यारो, जंगल आया करो और जंगलों में घुमा करो, जिंदगी की सोच बदल जाएगी। ना सावन हरे ना भादो सूखे, जिसने जंगल घूम लिया उसे कोई चीज की फिर जरूरत नहीं है। लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। वाह 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 वाह।
ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शिकार कामरान भाई को देखिए भाई, करीब 3-3.5 किलो के ऊपर है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। और यही स्पॉट है। अनिल भाई खड़े हो जाओ। आज हमारे अनिल भाई को काफ़ी बढ़िया शिकार हुआ है।
जी हाँ, करीब 6 से 7 किलो है। हम लोग उसको गिन तो नहीं सके, लेकिन 6 से 7 किलो अंदाज है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी तो लाइव वीडियो नहीं निकाल पाए, खाली क्योंकि मैं काफ़ी दूर चले गया था अनीस भाई से, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा, आप वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कैसा लगा कमेंट करिए। ये बबला सेठ, दुआ में याद रखो बबला सेठ। देखते हैं कि हमको क्या शिकार होते हैं। बताएंगे दे। आओ आएगा आएगा। ये देखिए बहुत खतरनाक शिकार हुआ है। अरे बाप रे माशाल्लाह। बोला बोला। अरे मेरा बैग लाना था ना राजा, बैग ला भी मत तुम्हारी। अरे बाप रे। देख सकते हैं आप पूरा गिरी पर टेढ़ा कर दिया इसने। ये गिरी पर जो है इसको टेढ़ा कर दिया। बंदा लगा सकते हैं डब्बे में पानी ले, बोतल ले, बोतल बोतल बोले उसमें बोतल ये ले ले। पहले साफ तो गरम दे इसको, इधर डालो मुंह पे। बहुत अरे भाई यहाँ डालो जाओ भाई। अरे बाप रे डालो भाई इतना होगा ना 7 किलो 6 से 7 किलो। अरे बबला सेठ अरे बाप रे भाई ये है कम से कम 7-8 किलो का पीस है और अनीस भाई को लगा है। बहुत प्यारा पीस, बहुत ही प्यारा, बहुत अनीस भाई। और
और ये अनीस भाई को लगा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? अरे बाप, बहुत खतरनाक। काटिया बोल रहा हूँ। शानदार। ऐसा खड़ा रहो, ये ऐसा खड़ा जबरदस्त पीस, करीब 6 से 7 किलो का पीस है ये। और ये आज अनीस भाई को लगा है, बहुत जबरदस्त पीस है। इसने काफी मेहनत करा दिया है निकालने में। हाइट देख सकते हैं, ये इसकी हाइट देखिए। हिफाज भाई खुद 6.5 की, और ये करीब आधा आ रहा है। और ये देखिए, आज ये बहुत बड़ा पीस लगा है। और ये सब लोग इस खुशी में सबके हाथ में दिया जा रहा है भाई। और ये है भाई आज के दूल्हा अनीस भाई, दुम सीधी का। बहुत जबरदस्त पीस लगा है इनको, और ये थक चुके थे निकालने में, इसलिए बहुत देर बाद अपने हाथ में इन्होंने लिए है। इतना बड़ा पीस, बहुत जबरदस्त पीस, बहुत जल्दी निकाला माशाल्लाह। ये देखिए आज ये पीस लगा अनीस भाई को, माशाल्लाह 6 से 7 किलो है करीब। और काफी इंतजार के बाद में आज ये हमको मिला है, और बहुत जबरदस्त पीस देख सकते हैं आप। ये देखिए हाइट, हाइट देखिए आप इसकी, देखिए
ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शिकार कामरान भाई को, देखिए भाई करीब 3-3.5 किलो के ऊपर है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और यही स्पॉट है अनिल भाई, खड़े हो जाओ।